दोस्तों Xiaomi ने अपना 3 न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है यूरोप में। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में ये फ़ोन लॉन्च हो गए हैं, Xiaomi 11T एंड 11T Pro और दूसरी जगह Xiaomi 11 Lite 5G NE। मुझे पता है ये फ़ोन लॉन्च होने के बाद आप लोग उतावले से हो गए होंगे कि इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन क्या है और ये फ़ोन इंडिया में कब लॉन्च होगा और कितने प्राइस में। तो इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेलकम टू आवर चैनल AR ट्यूबर, मैं हूँ अब्दुल रहीम। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 11T के बारे में। इसके डिजाइन के बारे में अगर बात कर ली जाए तो 8.8 mm के थिकनेस के साथ ये फोन आता है और इसकी वेट की अगर बात कर ली जाए तो 200 ग्राम्स के लगभग इसका वेट है। बैक में आपको ग्लास मिल जाता है, साइड में आपको मेटल मिल जाता है। प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बैक में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है और फ्रंट में आपको डिस्प्ले 6.67 इंच का एमोलेड डॉट डिस्प्ले मिल जाता है। उस डॉट में आपको सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए जो कैमरा मिल जाता है वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अगर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट के बारे में बात कर ली जाए तो 120 हर्ट्ज का अडैप्टिव सिंक डिस्प्ले मिल जाता है जो कि आपके रिफ्रेश रेट को कंट्रोल करेगा। अगर आप फोन को ज्यादा यूज करते हो तो रिफ्रेश रेट बढ़ जाएगा, अगर कम यूज करते हो तो रिफ्रेश रेट घट जाएगा, जिसकी वजह से आपका बैटरी कम कंज्यूम करेगा। ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा इस फोन में। और टच सैंपलिंग जो है अप टू 480 हर्ट्ज का मिल जाता है और इसकी ब्राइटनेस 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस होगी और ये डिस्प्ले HDR 10 प्लस पे बेस्ड है। तो ये तो हो गई डिस्प्ले के बारे में बातें। अगर कैमरा के बारे में बात कर ली जाए, 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है और 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो कैमरा मिल जाता है। अगर कैमरा के फीचर्स के बारे में बात कर ली जाए तो वीडियो फीचर्स में थोड़ा इन्हांसमेंट किया गया है, वो यह है कि सिनेमैटिक फिल्टर इसमें डाला गया है और Xiaomi वाले ये क्लेम करते हैं वन क्लिक AI सिनेमैटिक कुछ उन्होंने दिया है इस फोन में, वो तो फोन आने के बाद ही पता चलेगा ये क्या ही चीज है उसमें। तो प्रो वीडियो मोड दिया गया है और इसमें न्यू चीज जो दी गई है वो है ऑडियो जूम। जी हाँ, जब हम वीडियो बनाते हैं तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के करीब जाना है तो हम वीडियो को जूम कर लेते हैं, लेकिन ऑडियो का क्या, ऑडियो तो उतनी ही दूर पे रह जाता है। तो Xiaomi वालों ने इस बात का ध्यान रखते हुए ज्यादातर स्मार्टफोन्स में 2 माइक्रोफोन्स आ रहे हैं, Xiaomi वालों ने उधर 3 डाल दिया है। तीसरा माइक्रोफोन वो है जो ऑडियो जूम के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। इसका काम ये होगा कि अगर आप वीडियो को जूम करते हैं तो ये जूम ऑडियो जो है ले सकेगा, यानी दूर की आवाज को ये साफ ले पाएगा। ये अपग्रेड बेहतर लगा मुझे। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। तो आपको 4K 30fps रिकॉर्डिंग मिल जाता है और 1080 60fps रिकॉर्डिंग मिल जाता है। फ्रंट कैमरा के अगर बारे में बात कर ली जाए तो 1080 30fps मिल जाता है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें Dimensity 1200 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एक 5G चिपसेट है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, बैटरी इफिशियंस है, मीडिया टेक की तरफ से सबसे तगड़ा प्रोसेसर इसे माना जाता है। जब परफॉर्मेंस की बात चली रही है तो स्मार्टफोन्स को चलाने के लिए सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस में काम करता है वो है बैटरी। बैटरी अगर लाइफ के बारे में इसकी बात कर ली जाए तो 5000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए 67 वॉट का चार्जिंग दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 67 वॉट का आपको टर्बो चार्जिंग Xiaomi वाले दे रहे हैं जो कि इन बॉक्स मिलेगा। Xiaomi वाले ये क्लेम करते हैं कि ये 0 से 100% चार्ज 36 मिनट में कर देगा। जी हाँ दोस्तों, 36 मिनट यानी आधा घंटा के लगभग ये चार्ज कर देगा फोन को। Xiaomi वालों ने एक न्यू टेक्नोलॉजी डाली जिसे चार्जिंग पंप कहते हैं। ये बेसिकली आपके फोन के ओवरहीटिंग और ओवर इलेक्ट्रिसिटी से बचाएगा, जिससे आपका बैटरी हेल्थ अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें MIUI 12.5 और Android 11 पे बेस्ड होगा। फोन के हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दिया गया है। अगर हैप्टिक के बारे में बात कर ली जाए तो आपको इसमें एक्स एक्सिस वाइब्रेशन लीनियर मोटर मिल जाता है जो कि काफी तगड़ा आपको वाइब्रेशन दे देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको पर्सनली यूज किया हूँ,
Redmi Note 10 Pro Max में। बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट के बारे में। ये तीन कलर में आता है, तीनों कलर मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूंगा। बेस वेरिएंट इसका 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर ली जाए तो 40,000 से 45,000 Xiaomi वाले इसका रखेंगे। अभी ये इंडिया में नहीं आया है, यूरोस डॉलर को मैं कन्वर्ट करके आपको रफली एक बता रहा हूँ कि 40,000 से 45,000 में ये फोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई बात 11T के बारे में। अब बात कर लेते हैं 11T Pro के बारे में। प्रो में आपको सेम डिजाइन मिल जाता है 11T की तरह, साइड में आपको मेटल मिल जाता है और बैक में आपको ग्लास मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, फ्रंट में आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एमोलेड डॉट डिस्प्ले है। उस डॉट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और बैक में आपको 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है और 5 मेगापिक्सल का आपको टेली मैक्रो कैमरा मिल जाता है। डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट के बारे में बात कर ली जाए तो आपको 120 हर्ट्ज का अडैप्टिव सिंक रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जिसके बारे में आपको 11T में बता चुका हूं। डिस्प्ले में आपको कोई चेंजेस नहीं मिल जाती, डिस्प्ले में आपको सेम एज इट इज 11T के तरह ही डिस्प्ले मिल जाता है। 1000 निट्स तक का इसका पीक ब्राइटनेस होगा, HDR 10 प्लस पे बेस्ड है। बात कर लेते हैं कैमरा फीचर्स के बारे में तो इसमें अपग्रेड किया गया है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें मिल जाती है और 4K 60fps रिकॉर्डिंग इसमें मिल जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि बाकी जो 11T में मिल रहा था ऑडियो जूम वगैरह और सिनेमैटिक वीडियो वगैरह, और इसमें एक वन क्लिक सिनेमैटिक वीडियो दिया गया है जो कि AI बेस्ड है। वन क्लिक में आप सिनेमैटिक वीडियो बना सकते हैं, आपको उसमें कुछ ज़्यादा एडिटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 888 वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंट है। जब परफॉर्मेंस की बात चली रही है तो बात कर लेते हैं बैटरी की। तो आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जिसको चार्ज करने के लिए 120W का चार्जिंग इन बॉक्स आपको मिलेगा। Xiaomi वाले ये क्लेम करते हैं कि ये 0 to 100 चार्ज करने के लिए 17 मिनट सिर्फ लेगा। जी हां दोस्तों, 17 मिनट में आपका फोन 0 से 100 चार्ज हो जाएगा और बाकी जो 11T में मिला था वो सब इसमें मिलेगा। अगर स्लो मोशन की बात कर ली जाए तो 1080 में आप 960fps में स्लो मोशन बना सकते हैं इस फोन में। अब फ्रंट कैमरा के बारे में बात कर ली जाए तो फ्रंट कैमरा से आप 1080 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये भी मुझे पसंद आई इस फोन में। और कनेक्टिविटी के बारे में बात कर ली जाए तो डुअल 5G कनेक्टिविटी के साथ ये फोन आता है और 11T से ज्यादा इसमें साउंड क्वालिटी पे ध्यान दिया गया। हरमन कार्डन के तरफ से आपको डेडिकेटेड डुअल स्पीकर मिल जाता है जो कि डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये हरमन कार्डन कौन है ये बताओ मुझे। चलिए सबसे पहले जान लेते कि हरमन कार्डन कौन सी कंपनी है और ये इस फोन में क्या कर रहा है। तो दोस्तों हरमन कार्डन US बेस्ड हरमन इंटरनेशनल इंडस्ट्री का डिवीजन है जो कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्सिडरी है। हरमन कार्डन होम एंड कार्स के लिए ऑडियो इक्विपमेंट्स तैयार करता है। हरमन कार्डन की फाउंडेशन दो बिजनेसमैन ने की थी, सिडनी हरमन एंड बर्नर्ड कार्डन ने। 1953 ईस्वी में इसकी फाउंडेशन की गई थी। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो ये थी हरमन कार्डन की कहानी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो आपको MIUI 12.5 एंड एंड्रॉइड 11 इस फोन में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं वेरिएंट के बारे में। तो वेरिएंट में आपको तीन कलर मिल जाते हैं सेम 11T की तरह, ग्रे व्हाइट ब्लू कलर। ये तीनों ही कलर मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूंगा। इसका बेस वेरिएंट होगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि आपको 55,000 से 60,000 के अंदर इंडिया में देखने को मिल सकता है। ये रफली मैं बता रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं है कि ये इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं Xiaomi 11 Lite 5G NE के बारे में। और अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर ली जाए तो आपको Xiaomi 11 Lite की तरह ही डिज़ाइन मिल जाता है, सेम डिज़ाइन है। बैक में आपको ग्लास मिल जाता है, प्रीमियम लुक दिया गया है। इस फोन की थिकनेस 6.8mm की थिकनेस है और वेट जो है काफ़ी हल्का रखा गया है। लाइट जो है ये पूरा लाइट ही है, वेट जो है इसका 150 ग्राम के लगभग इसका वेट है। साइड में आपको मेटल बॉडी मिल जाता है और बैक में आपको ट्रिपल कैमरा के सेटअप के साथ ग्लास मिल जाता है। नीचे में Xiaomi की ब्रांडिंग दी गई है, उसके बगल में 5G की छोटी सी ब्रांडिंग दी गई है। और अगर इसकी डिस्प्ले के बारे में बात कर ली जाए तो 6.55 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डॉट डिस्प्ले मिल जाता है। उस डॉट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट के बारे में अगर बात कर ली जाए
90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। इसका पीक ब्राइटनेस जो है 800 निट्स तक का होगा और HDR10 को सपोर्ट करता है। डॉल्बी विजन का इसमें सपोर्ट दिया गया है। कैमरा सेटअप के बारे में अगर बात कर ली जाए तो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मिल जाता है, फिर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का आपको टेली मैक्रो कैमरा मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात कर ली जाए तो स्नैपड्रैगन का 778G 5G चिपसेट वाला प्रोसेसर मिल जाता है। बैटरी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो इसमें 4250 mAh का बैटरी मिल जाता है, जिसको चार्ज करने के लिए 33 वाट का चार्जिंग मिल जाता है, जो कि इन बॉक्स आपको मिलेगा। साउंड क्वालिटी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो डुअल स्पीकर इसमें मिल जाता है। सिम स्लॉट के बारे में बात कर ली जाए तो हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। ये एक डाउनग्रेड हो जाता है Xiaomi वालों की तरफ से हाइब्रिड सिम स्लॉट को देना, और बाकी जो Xiaomi वाले AR ब्लास्टर वगैरह देते हैं वो तो रहेगा ही। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर बात कर ली जाए तो MIUI 12.5 और Android 11 पे बेस्ड होगा ये फोन। और अगर वेरिएंट के बारे में बात कर ली जाए तो ये चार कलर में आता है, वो मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूंगा। और इसका बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला होगा, जिसकी प्राइस 30,000 से 25,000 के अंदर रखी जाएगी। ये फोन इंडिया में 10 से 15 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही जल्द ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है ये फोन। तो हमारे चैनल को अगर अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको सबसे पहले न्यू फोन की जानकारी मिल जाए। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है।